नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी, केंद्र के पास 26 नवंबर तक का वक्त है, इसके बाद गांव छोड़कर के दिल्ली के चारों बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार के पास अब मात्र यहां पर 26 नवंबर तक का ही समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेंगे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर मोदी सरकार ने 26 नवंबर तक विवादित कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले नहीं लड़ूंगा अगला विधानसभा चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्य विपक्षी दल सपा जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाल करके अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। उधर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर के भी टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आरएलडी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श किया जाना है, जल्द ही इस पर भी फैसला लिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि नहीं लड़ूंगा अगला विधानसभा चुनाव। एक और बड़ी खबर बताते चले, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेता दिया है, प्रदर्शन स्थल खाली करवाया तो पीएम आवास में मनाएंगे दिवाली। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर सरकार ने विरोध स्थलों से किसानों को निकालने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिवाली मनाएंगे। चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है कि अगर रात में मैसेज आए तो रात को ही दिल्ली की ओर चल पड़ना है। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर राकेश टिकैत ने भी चेतावनी दे रखी है मोदी सरकार को कि बॉर्डर से जबरन हटाया तो सरकारी दफ्तरों को बना देंगे गल्ला मंडी और सभी किसान संसद की तरफ करेंगे कूच। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, वोट तो देगी नहीं जनता लेकिन जीतेगी बीजेपी, यूपी चुनाव पर बोले हैं राकेश टिकैत। जैसे जिला पंचायत में हुआ वैसा ही होगा। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर के जनता से अपील करते आए हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट किसी भी कीमत पर ना करें। अब उन्होंने कहा है कि जनता वोट बीजेपी को नहीं करेगी लेकिन फिर भी बीजेपी की ही जीत हो सकती है। उनका कहना है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि सरकार गुंडागर्दी से चुनाव जीतती है और वहीं लोगों के नामांकन भी दाखिल जो होते हैं उनको भी रद्द करवा देती है। और वहीं राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर के कहा है कि संयुक्त मोर्चा तय कर ले तो दिल्ली जाएंगे, संसद में गल्ला मंडी लगेगी, सुप्रीम कोर्ट भी वहां से नजदीक है और संसद भी, यहां की मंडी धीरे धीरे बंद हो गई है तो उम्मीद है कि दिल्ली में दाम अच्छे मिल जाएंगे। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक का बड़ा आरोप, पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा है ड्रग्स का खेल, सीबीआई करे पूरे मामले की जांच। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि ड्रग पैडलर के बीजेपी नेता के साथ यहां पर संबंध है। उन्होंने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। इसके साथ ही मलिक ने पूछा कि आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खुद समीर वानखेड़े के परिवार से मिले।
उन्होंने कहा है कि आरोपी का समर्थन करना यहां पर पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये यहां पर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, बिहार से बड़ी खबर है दोस्तों, 2 नवंबर को तेजस्वी यादव बनाएंगे सरकार, बीजेपी के नेता ने उपचुनाव में किया है आरजेडी की जीत का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में शनिवार को मतदान संपन्न हो चुका है। अब सरकार बनाने को लेकर के बीजेपी के नेता ने एक बड़ा दावा करके हड़कंप समझा दिया है। बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने कहा है कि उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद राज्य में बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद वह बिहार में आरजेडी की सरकार बनाएंगे। अब बीजेपी के नेता टुन्ना पांडे ने भी आरजेडी की जीत का दावा किया है। बीजेपी के नेता टुन्ना पांडे ने बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी ही जीत हासिल करेगी, बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले लालू यादव ने दिल्ली से पटना लौटते ही दावा किया था कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद सरकार में भगदड़ मच जाएगी और इस सरकार को गिरा लिया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है और यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने ही दावा कर दिया है कि 2 नवंबर को तेजस्वी यादव बनाने जा रहे हैं सरकार और दोनों ही विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी आरजेडी जीत हासिल करेगी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी ने जारी किया है महिला घोषणा पत्र। जानिए चुनाव से पहले क्या क्या किया है ऐलान, आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट और छात्राओं को स्मार्टफोन स्कूटी देने का वादा कर चुकी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने इस घोषणा पत्र का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है, कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। इस घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर यहां पर छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी, सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए पूरी तरीके से यात्रा मुफ्त, आशा और आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को प्रतिमाह 10,000 का मानदेय मिलेगा। ये यहां पर प्रियंका गांधी का कहना है। नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति, 1,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा विधवा पेंशन और उत्तर प्रदेश की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेश भर में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। ये यहां पर देख सकते हैं कि महिला घोषणा पत्र जारी किया है प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबर को जान सकें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।